हमारे दरमियान जनाब इकबाल अहमद इंजीनियर साहब तशरीफ फरमा हैं। तारीख इस्लाम की 520वीं नशिस्त इस कॉन्फ्रेंस हॉल जामे मस्जिद आलिया गन फाउंड्री में मुनक़िद की जा रही है। आपका खुद का दिया हुआ उन्वान मौजज़ा की पैदाइश तारीखी नुक्ते नज़र से आज 23 सितंबर 24 शवालुल मुकर्रम 23 सितंबर 2011 ईस्वी को मैं गुलामी अज़दानी कन्वीनर महाफिल आपसे मुखातिब हूँ। अभी आपने खुश इलान खारी मोहम्मद मुर्तज़ा साहब की खिरात समात फरमाई। हजरात, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि जिन हजरात के पास यहाँ का वेबसाइट नहीं दर्ज है या नोट नहीं है वो नोट कर लें, और अगर नोट ना करें तो ये पर्चा साथ रख लें, इसके ऊपर वेबसाइट की एंट्री है, बहुत छोटी सी एंट्री है, इसको हम बड़ा करेंगे, लेकिन इससे आप वाकिफ हों तो इसके इस प्याम को और इस खिताब को आप आवाम तक पहुंचाने में मदद करेंगे, जो जाहिर है एक लिहाज से तबलीग का जरिया है। हजरात, इन महाफिल के इस्तेफादे से बाज़ लोग मुतासिर होकर उन्होंने ये महसूस किया कि इन महाफिल में जो मेयार के खिताबात होते हैं और जिनसे न सिर्फ अखबारों के जरिए मुकामी हजरात और रियासत के हजरात वाकिफ होते हैं, बल्कि बैरून मुल्क भी और बैनुल अक्वामी तौर पर भी, क्योंकि इंटरनेट पे अखबार पढ़े जाते हैं बाहर, और अखबारात हमें हमारे लिए तावुन करते हैं, वो तावुन इस तरह का होता है कि वो नुमाया तौर पर सुर्खियां छापते हैं और हमारे मुखातिब करने वाले उलमा और प्रोफेसर्स को ये देखते हुए कि उनके मजामीन बहुत मेयारी होते हैं, उनके खिताबात मेयारी होते हैं, वो नुमाया जगहों पर शाया करते हैं। इस लिहाज से अब ये भी हो गया है कि वेबसाइट के जरिए दुनिया के कोने कोने में पहुंच रहे हैं, और इसमें किसी महफिल का इम्तियाज नहीं है, किसी मुखर्रिर का इम्तियाज नहीं है, बल्कि हमारे जो मुखर्रिर फाजिल मुखर्रिर होते हैं उनके खिताबात बराबर, चाहे वो तारीख इस्लाम से मुतालिक हों, शरीयत इंफॉर्मेशन से मुतालिक हों या अकबाल शिनासी से मुतालिक हों। अभी तक मुझे कई लोगों ने टेलीफोन पर बताया कि उन्होंने कनाडा, अमेरिका और दीगर ममालिक, मशरिक़ वस्ता, सऊदी अरेबिया वगैरह के तमाम ममालिक में वो देख रहे हैं इसको। तो आप ज़रूर ये काम करें और हमारे लिए एक सफ़ीर बन जाएं कि अपना टेलीफोन बाहर के लोगों के आते हैं तो उनसे उन पर ये वेबसाइट नोट करा दीजिए और वो वेबसाइट पर देख लेंगे। एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ कि जब यह वेबसाइट का आगाज हुआ तो 3-4 दिन के बाद मैंने मेरे फर्जन से, जो सऊदी अरब में एक यूनिवर्सिटी है, KFUPM किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स, वहां मेरे साहबजादे हैं स्टाफ में, तो उनसे मैंने कहा कि भाई आप ये वेबसाइट नंबर नोट कीजिए, वेबसाइट का जो भी होता है नोट कीजिए और उस पर देखिए कि हमारे यहां इफ्तिताह हो गया है, और अभी हाल में जो है डॉक्टर प्रोफेसर जियाउद्दीन अहमद शिकैब इकबाल शिनासी के महफिल को मुखातिब किए हैं। तो उन्होंने कहा कि ठहरिए मैं अभी नोट करता हूं, तो वो शमैन अभी एक मिनट के लिए ठहरे तो मैं समझा कि वो कागज पे नोट कर रहे हैं, और ये हाल है कि वो वेबसाइट पे मैं जो बोला उसको खटबल के मार दिए और मार के आप मेरे सामने हैं और शिकैब साहब की तकरीर सुन रहा हूं बोले। तो ये कैफियत है इस वक्त, और मीडिया इस सदर तेज जा रहा है और मीडिया का इस्तेफादा इतना हो रहा है दुनिया में, अब आप ही सोचिए कि हम किधर हैं, कहाँ हैं, और यही नहीं कि आपकी महाफिल बल्कि बड़े बड़े उलमा के रियासती और मुल्की गैर मुल्की बड़े बड़े उलमा जो हैं वेबसाइट पर आते हैं, टीवी पर आते हैं, खैर टीवी पर तो देखते होंगे लेकिन फिर भी वेबसाइट पर भी देखने के लिए आपको एक मौका है, कोशिश कीजिए कि उनसे आप कहें कि वो इसको देखें, क्योंकि वो आजकल जो लैपटॉप जो कहलाता है वो लैपटॉप पर भी जो है वो तो
लैपटॉप इतना कॉमन हो गया है कि तमिलनाडु की हुकूमत ने यह तस्वीर किया है कि स्कूल के हर बच्चे के पास फ्री लैपटॉप सप्लाई किया जाए। अब अंदाजा लगाइए कि लैपटॉप की क्या अहमियत है और वो दिन कहाँ गए जबकि हम स्लेट पेंसिल लेके तख्तियों के ऊपर लिखते हुए हम तालीम हासिल करते थे। तो बहरहाल कोशिश इस बात की कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा इसका इस्तेफादा हो, इसका सवाब आपको मिलेगा, ये ऐसा सवाब है कि एक तबलीग में हिस्सा लेने के बराबर है। मैं ज्यादा वक्त लिए बगैर सिर्फ आपको दो उनवानात की तरफ जो बड़े अहम हैं तवज्जो दिलाऊंगा कि पीर के दिन यानी 26 सितंबर को हिजाब और इस्लाम के उनवान से प्रोफेसर सैयद जहांगीर की शरीयत इंफॉर्मेशन सर्विस की 413वीं नशिस्त को मुखातिब कर रहे हैं। प्रोफेसर सैयद जहांगीर से आप वाकिफ हैं और ये बहुत ही पाए के आलम हैं और इनको आप सुनने के बाद ही अंदाजा हो सकेगा कि इस वक्त दुनिया में जो हिजाब के बारे में जो तनाज़े चल रहे हैं, तनाज़ात भी ऐसे हैं इस्लामी मुल्क में भी गैर इस्लामी मुल्क में भी दो दो किस्म के नज़रियात हैं, तो वो नज़रियात के ताल्लुक से इस हिजाब के ताल्लुक से जो है कलाम मजीद और दीगर शरई अहकाम के बारे में वो बताएंगे। उसमें ज़रूर शिरकत कीजिए, कोशिश कीजिए कि हिजाब के बारे में है ये, ख़वातीन भी आएँ, ख़वातीन का भी यहाँ पर इंतज़ाम है। और ये है पीर बाद नमाज असर इसी कॉन्फ्रेंस हॉल में 413वीं नशिस्त शरीयत इंफॉर्मेशन। इसी तरह से एक और चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाऊंगा, टेक्नोलॉजी फिक्र इकबाल की रोशनी में इस उन्वान से आपके जाने माने प्रोफेसर डॉक्टर ख्वाजा नासिरुद्दीन साहब तशरीफ लाए हुए हैं, वो मुखातिब करेंगे, वो भी दो तीन महीने में एक दफ़ा मुखातिब करते हैं। वो महफिल इकबाल शिनासी की 634वीं नशिस्त है, वो इसी मकाम पर बाद नमाज असर चारशंबा 28 सितंबर को मुनाकिद होगी। मैं इन चंद गुजारिशात के साथ और ये आखिरी गुजारिश ये भी करना चाहूँगा कि हमारे जो मैगजीन्स आते हैं उनका बराबर इस्तेफादा नहीं हो रहा है। वो मैगजीन्स यहाँ पर रखे गए कुलेरा नहीं था, आइंदा से इस टेबल के ऊपर हमारे मुंतजमीन मैगजीन्स रखेंगे जो पर्चे ऊपर आते हैं। उन पर्चों को आप सिर्फ रजिस्टर में नोट करिए, अपना नाम पता लिखिए और आप तारीख डाल दीजिए और जिस तारीख को आप वापस करने वाले हों वो लिख दीजिए उसमें। तो अगर आप ये पर्चा घर को ले जाते हैं तो आप घर वालों के लिए भी तबलीग का जरिया बनते हैं, क्योंकि घर वाले ही नहीं पढ़ते बल्कि मेहमान और विजिटर्स आपके जो भी आते हैं वो भी पढ़ेंगे उसको, और आप जब वापस ला के रखेंगे तो वो दूसरों को इस्तेफादे का मौका मिलेगा और उनमें पाए के मजामीन होते हैं। और ये हमारे मुख्तलिफ मुकामात पे हमारे मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात से शाया होने वाले नामवर रिसाले हैं और इन रिसालों से हमको इस्तेफादा करना चाहिए, क्योंकि टीवी का शौक इतना हो गया है लोगों को कि वो पढ़ने की तरफ मायल नहीं, और आपके बच्चे जब टीवी देखने में मसरूफ रहते हैं तो ये पढ़ाई बिल्कुल भूल जाते हैं। अगर आप ले जाके रखें तो शायद उनको कोई उन्वान पसंद आए और देखें। मैं हमारे अमले से भी गुजारिश करूंगा कि वो रखा हुआ है, आइंदा से जो है पाबंदी से वो रखेंगे। इससे पहले हम रख रहे थे लेकिन हिम्मत अफजाई नहीं हुई, जब लोग नहीं ले जाने लगे तो उसको वापस रख दिया। आप अंदाजा लगाइए कि क्या आपको पसंद आएगी ये बात कि ऐसी दीनी कुतुब रद्दी के नजर, और फिर रद्दी के नजर होके जाते हैं और किसी ऐसे मकाम पे जाते हैं जहां चने के चुड़वे के पूड़े बनते हैं और इस तरीके से इस्तेमाल होते हैं, तो फिर हम एहतजाज करते हैं कि सब ये अरबी में लिखे हुए कागज में बेच रहे हैं। तो ये जरा ख्याल रखिए आप कि अगर आप इसका इस्तेफादा कर सकें तो हमारे पास जब वापिस करेंगे तो वो सर्कुलेशन में रहेंगे। मैं माफी चाहते हुए हमारे आज के मुखरिज साहब से कि कुछ ज्यादा ही बोल दिया मैं इकबाल अहमद इंजीनियर साहब से जो आपके जाने पहचाने मुखरिर हैं और ये भी चंदा जरूरत नहीं है उनके सामने कहने की कि उनके मजामीन अखबार बड़े नुमाया तौर पर शाया करते हैं, मजामीन ही नहीं बल्कि वो उनके तकारीर भी, और मैं हमारे लिए खुशकिस्मती समझता हूं कि ऐसे मेयार के मुखर्रिर जो है हमसे जुड़े हुए हैं और अपना कीमती वक्त हमारे लिए देते हैं। इससे इस्तेफादा कीजिए, आइंदा इसका ख्याल रखिए। जज़ाक अल्लाह।
نحمده ونصلي على رسول الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میں محترم غلام مزدانی صاحب کو مشکور ہوں کہ انہوں نے وہ تعارف کرایا جو میں اس قابل نہیں تھا۔ ایک کوشش ہوتی ہے کہ اپنے خیالات آپ تک پیش کریں، اور کوشش میں اللہ تعالیٰ کچھ فائدے ہمارے لیے بھی رکھا ہے، کچھ آپ کے لیے بھی رکھا ہے۔ یہ جو عنوان میں نے دیا تھا اس کے پیچھے کا مقصد تھا معجزاتی پیدائش تاریخی نقطۂ نظر میں۔ عام طور پر معجزاتی پیدائش عموماً بحث میں نہیں آتی، لوگ اس پر جو ہے نا توجہ خاص طور پر مسلمان زیادہ نہیں کرتے، مگر اس کے علاوہ دوسرے مذاہب میں یہ معجزاتی پیدائش پر بہت زیادہ لکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، بولا جاتا ہے۔ میں نے یہ عنوان اس لیے چنا کہ ہمارے سامنے جو دنیا کی سب سے بڑی آبادی عیسائی کہلاتی ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اس لیے سمجھتی ہے کہ ان کی وہ معجزاتی پیدائش ہے، چونکہ وہ معجزاتی طور پر پیدا ہوئے اس لیے خدا ہے۔ اب اس سے مطلب یہ نکالا جانا چاہیے کہ جو بھی معجزاتی پیدائش ہے وہ خدا ہے، یا ہر کوئی جو معجزاتی طور پر پیدا ہوتا ہے کیا خدا کہلانے کا مستحق ہے؟ ایک اسٹیٹمنٹ جب دیا جاتا ہے کہ معجزاتی پیدائش خدا ہے، تو ہر معجزاتی پیدائش والا خدا ہونا چاہیے۔ اس اعتبار سے اس موضوع کو میں نے چنا ہے کہ دیکھ لیں کہ معجزاتی پیدائش صرف عیسیٰ علیہ السلام کی یا کسی اور کی بھی ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنائیں تو پھر کیا ان کو بھی خدا بنائیں گے؟ کیا بائبل میں صرف عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائشی معجزاتی ہے، یا کوئی دوسرے بھی ہیں جو معجزاتی طور پر پیدا ہوئے ہیں؟ اگر بائبل میں صرف عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہا گیا ہے تو وہ دوسروں کو کیوں چھوڑا گیا ہے؟ اس حصے سے ہم بات کریں، معجزاتی پیدائش ہوتی کیا ہے۔ عام طور پر معجزہ جو کہا جاتا ہے کہ آدمی کے اختیار میں جو چیزیں ہیں اس سے ماورا کوئی چیز ہو جائے، یعنی ایسا عمل انسان عاجز ہو جس کے کرنے میں، یا اس کی فطرت سے فوق ما فوق الفطرت کوئی چیز ہو جائے، وہ معجزہ ہو جاتی ہے۔ عاجز نہ ہو تو وہ معجزہ ہے، عاجز ہو جائے تو معجزہ نہیں۔ اس اعتبار سے اگر آپ سوچیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جو تذکرہ قرآن مجید میں، پہلے اس پر گزر جائیں گے کہ بھئی وہ کیا کہتا ہے اس تعلق سے، کیونکہ قرآن نے عیسائیت کے ہر سوال کا جواب دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اس وقت عیسائیت موجود تھی، جو عقائد عیسائیت کے تھے اس کا کھول کھول کر قرآن نے بیان کیا ہے کہ تم جو سوچ رہے ہو غلط سوچ رہے ہو۔ تو یہ تو سبھی کو معلوم ہے کہ مریم علیہ السلام ایک منت کے طور پر مانی گئی چیز تھی، آپ کی جو پیدائش میں منت کی گئی، اگر پیدا لڑکا ہو تو میں اللہ کے حوالے کر دوں گا، مگر پیدا لڑکی ہوئی۔ تو پھر بھی چونکہ وعدہ کیا تھا، مریم علیہ السلام کو اللہ کے حوالے کر دیا گیا۔ زکریہ علیہ السلام کی نگہداشت میں مریم علیہ السلام کی پرورش ہوئی، اور مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا ایک ایسے وقت کے لیے، ایسے کام کے لیے جو اس سے پہلے کسی عورت کے لیے نہیں تھا۔ وہ یہ تھی کہ بغیر شادی کے یا بغیر کسی آدمی کے چھوئے کے اللہ تعالیٰ نے ان کو ماں بنا دیا، اور ایک معجزہ ہے جس کے قرآن میں تذکرہ ہے۔ آل عمران میں 45 آیت میں یہ تذکرہ، اس قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔
जब फरिश्तों ने कहा ऐ मरियम अल्लाह ताला तुझे एक फरमान की खुशखबरी देता है, उसका नाम मसीह ईसा इब्न मरियम होगा, दुनिया और आखिरत में मुखर्रब होगा, अल्लाह के मुखर्रब बंदों में शुमार किया जाएगा। उसके साथ उनको एक मौजज़ा भी दिया गया, तफसीर है उसकी, वो यकल्लमुन्नास फिल महदी वो कहलन मिन व मिन सालिहीन, लोगों से गहवारे में कलाम करेगा और बड़ी उम्र को पहुंचकर भी मर्द साले होगा। ये बात कि पैदा भी होगा, पहली मर्तबा बच्चा जो है ना अपने झूले में से बात करेगा और बड़ा होकर वो मर्द साले होगा। यानी एक तो मौजज़ा ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, फिर दूसरा मौजज़ा है कि बच्चा पैदा होते ही गुफ्तगू करेगा, तीसरा मौजज़ा ये कि वो बड़ा होकर मुखर्रब बंदों में शामिल होगा। ये चीज कुरान मजीद में साफ की गई। इसके पीछे मकसद क्या है? इसके पीछे मकसद है कि उस जमाने में सबसे पहला मौजज़ा ईसाइत में जो बताया गया है वो है कि ईसा अलैहिस्सलाम एक शादी की तकरीब में, जहां शराब की जरूरत थी, उस शादी की तकरीब में शरीक थे, मेजबान के पास शराब नहीं थी, मरियम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि ये कैसी शादी होगी जबकि शराब नहीं है, क्या ऐसा मुमकिन है कि तुम शराब मुहैया कर दो? तो उन्होंने कहा कि जो कुछ पानी है वो हौज में लाकर डाल दो। तो लोगों ने पानी हौज में डाल दिया, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने उसको कहा कि शराब बन जा, तो शराब बन गई। जबकि खुद बाइबल में है कि ईसा अलैहिस्सलाम शराब नहीं पीते थे, यही अलैहिस्सलाम भी शराब नहीं पीते थे। उसी बाइबल में तस्करा है कि जो चीज नहीं पीते थे ईसा अलैहिस्सलाम ने वो मुहैया कर दी। इस आयत में अल्लाह ताला ने उसको भी कहा कि पहला मौजज़ा ये नहीं था, पहला मौजज़ा ये था कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने झूले में से लोगों से बात की और अपने आप को मर्द साले करा दिया। कोई ऐसा अमल नहीं किया जिसकी बुनियाद पर वो पकड़े जाते, कोई गिरफ्त हो जाती, ऐसा कोई काम नहीं उन्होंने किया। शराब पीना खुद पे ममनू है, दूसरों को शराब सप्लाई कर रहे, ऐसा काम नहीं किया ईसा अलैहिस्सलाम। ये बात जो है ना इसमें बताई गई। और उसके बाद जब मरियम अलैहिस्सलाम को जब ये बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा क्या कहा था, ये सुनकर मरियम बोली थी कि परवरदिगार मेरा हाँ बच्चा कैसे होगा जबकि किसी बशर ने मुझे छुआ तक नहीं। यहां पर एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ जिसे हमें याद रखना है, खाला रब्बी अन्नी यकून ली वलदुन वलम यमससनी बशरुन खाला कजालिक قال كذلك الله يخلق من يشاء اذا قضى امرا فانما يخلق له كن فيكون। यहां लफ्ज यखलुक पे जरा गौर फिक्र कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि ऐसी ही होता है, ऐसी ही होता है, कोई बशर ना छोड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला की मर्जी है जब चाहे किसी चीज को पैदा कर दे, जब वो कोई फैसला करता है किसी काम करने का तो कहता है कि हो जा, पस हो जाती है, कुन फयकून। तो ये बात जो है कही गई। तो ये मौजूदाती पैदाइश हमारे पास ऐसी है कि ये मौजूदाती पैदाइश पर यकीन रखते हैं। और इस मौजूदाती पैदाइश को ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश को यहूदियों ने इनकार किया। उसके पीछे क्या 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 वजूहात थी? यहूदियों ने इनकार नहीं किया बल्कि हजरत मरियम पर इल्जाम भी लगाया, ये तू कैसी औरत है, तेरे बाप तो बड़े अच्छे थे, तेरा खानदान अच्छा था, तूने ये क्या कर दिखाया। ये जब सवाल उठा तो ईसा मरियम अलैहिस्सलाम ने इशारा किया कि उस बच्चे की तरफ देखो जो उसमें है। उन्होंने कहा तू ये क्या बात कहती है कि बच्चा गवाही देगा तेरी इफ्फत इस्मत की, ये कैसा नया तमाशा कर रही है। तो उन्होंने इशारा किया तो वहां जो है ईसा अलैहिस्सलाम ने बात किया कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया नबी हूं, मैं तुम्हारे सुधार के लिए आया हूं और मैं मर्द साले हूं। ये चीज के बावजूद भी यहूदियों को यकीन नहीं आया।
इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह कि जिस जमाने में ईसा अलैहिस्सलाम का जहूर हुआ उस वक्त बनी इसराइल में मेडिकल साइंसेस काफी तरक्की कर चुकी थी। हर जमाने में जिस इल्म ने तरक्की की उसी इल्म में मौजूदे आए। तो तरक्की का यह आलम था कि हर मर्ज का इलाज होता था सिवाय उन मर्ज के जो पैदाइशी तौर पर लाहक हो, पैदाइशी तौर पर कोड़ी हो, पैदाइशी तौर पर नाबीना हो, या कोई मर जाए तो जिंदा ना हो सके, या कोई चीज को जिंदा ना कर सके। मगर उसके बावजूद सारी उसके बाद सेहत के ताल्लुक से, मेडिकल साइंस से, इंसान की तकलीफ के ताल्लुक से सारे इंफॉर्मेशन उनके पास थे। उन्होंने कर रखा था कि इंसान की पैदाइश के लिए जरूरी है कि मर्द और औरत का मिलना, जब ही जाके इंसान पैदा होता है, उसके बगैर इंसान का पैदा होना नामुमकिन है। ये उनका नुक्ते नजर था, वो मान चुके थे कि ऐसा ही होता है और कोई दूसरा तरीका नहीं है इंसान के पैदा होने का। ऐसे वक्त जबकि मेडिकल साइंस इतने उरूज पर है कि अब ईसा अलैहिस्सलाम का बगैर बाप के पैदा होना उनके लिए तो अजीब बात थी कि हमारी इल्म के मुखालिफत में कोई ऐसी बात हुई है, जरूर इसके साथ किसी आदमी का ताल्लुक रहा होगा वरना कैसे मुमकिन। जब ये ताल्लुक साबित करने की कोशिश की तो और एक मौजूदा आ गया कि बच्चे ने झूले से बात की, जो उनके लिए और एक अजीब सी चीज थी कि बच्चा तो बात कहीं नहीं सकता, उसके लिए वक्त लगता है, साल डेढ़ साल दो साल जब बच्चा गुजरता है जिस माहौल में रहता है वो जबान बोलता है, मगर ये तो बच्चा पैदा होने के बाद फौरी बोल रहा है, ये एक अलग मौजूदा है। अब ये दो मौजूदे जब उनके सामने आ गए तो उनके पास ये जुरत नहीं रही, ये जरत बिल्कुल नहीं रही कि मरियम अलैहिस्सलाम पर कोई नाजेबा बात कहें, उनको बुरा भला कहें। तो बजाय इसके कि आजिज हो जाते वो, इसको मौजूदा मान लेते, उन्होंने इसका इनकार किया। उनको अपने इल्म पर भरोसा था, इल्म पे किब्र था कि हमारा इल्म तो गलत नहीं हो सकता, अगर ये शख्स पैदा हुआ है तो जरूर ये कुछ ना कुछ बात है। ये चलता रहा जमाने तक। उसके बाद यही रिजल्ट आया 325 तक, जब झगड़े चलते रहे ईसा अलैहि सलाम की पैदाइश के लिए, 325 में ट्रिनिटी का अकीद आया कि ईसा अलैहि सलाम खुदा है, क्योंकि वो इल्म के बारे में झगड़ते रहे। ईसाइयों यहूदी भी इनकार करे, ईसा अलैहि सलाम भी इनकार करे, यहूदियों भी कब इनकार है, ईसाइयत का भी इनकार। यहूदी इसलिए इनकार करे कि बनी इसराइल में ईसा अलैहि सलाम आए थे जो मूसा अलैहि सलाम के खिलाफ पड़ता था। ईसाई इसलिए इनकार करके, ईसाइयों का इल्म था इसकी बुनियाद पर इनकार हुआ। दोनों सूरतों में यहूदी भी ईसा अलैहि सलाम की मौजूदाती पैदाइश को नहीं मानते, ईसाई भी ईसा अलैहि सलाम की मौजूदाती पैदाइश को नहीं मानते, दोनों भी नहीं मानते। जबकि उनकी किताबों में अगर आप देखेंगे तो आदम अलैहि सलाम की पैदाइश का तस्करा मौजूद है, उनकी किताबों में इब्राहिम अलैहि सलाम के, इसहाक अलैहि सलाम की किताब पर पैदाइश का तस्करा मौजूद है, उनकी किताब में यहीया अलैहि सलाम की पैदाइश का तस्करा मौजूद है। इसीलिए कुरान ने कहा कि आदम अगर ईसा अलैहि सलाम की पैदाइश मौजूदाती है, इसकी बुना पर वो खुदा कहलाए जा सकते हैं, इससे बड़ा मौजूदा तो आदम अलैहि सलाम की पैदाइश का है, जिनके ना तो माँ थे ना जिनके बाप थे। ईसा अलैहि सलाम की तो माँ है, आदम अलैहि सलाम के ना तो बाप थे ना माँ थे, पैदाइश हो गई। तो मौजूदा कौन सा बड़ा हुआ? ईसा अलैहि सलाम का मौजूदा बड़ा नहीं, आदम अलैहि सलाम का मौजूदा बड़ा है, क्योंकि बाप है ना माँ है। अगर इस बुनियाद पर बाप ना होने से कोई खुदा बन सकता है तो आदम अलैहि सलाम तो खुदा बनने के इससे ज्यादा मौजू है। आदम अलैहि सलाम को खुदा कहना चाहिए। ये बात कुरान ने पेश की है, मौजूदाती पैदाइश सिर्फ
ईसा की नहीं है, मौजूदा की पैदाश तो आदम की है, जिस पर सारे मजाहे मुत्तफिक हैं कि पहला इंसान जो दुनिया में आया वो आदम अलैह सलाम है, उसके बाद ही आदम जात शुरू हुई। सबसे पुरानी तहजीब पर हिंदुस्तानी तहजीब को ले आप, आदि मनुष्य पुराना आदमी आदम अलैह सलाम। बाइबल में जेनेसिस ने पैदाइश कायनात के पहले आदमी आदम अलैह सलाम। जरतिश्त में जाए पैदा होने वाले आदमी आदम अलैह सलाम। जितने मजाहब हैं उनमें पैदा होने वाले आदमी आदम अलैह सलाम, जिनकी मां थी ना बाप थे। तो ये ज्यादा मुस्तहक हुए खुदा बनने के। अगर खुदा बनना मुजदादी पैदाइशी खुदा बनने के लिए अगर दलील बनती हो तो आदम अलैह सलाम ज्यादा मुस्तहक हैं खुदा बनने के। जब तुम आदम अलैह सलाम को खुदा नहीं मानते तो फिर किस बुनियाद पर तुम ईसा अलैह सलाम को खुदा कहते? ये तर्दीद कुरान मजीद की। दूसरी बात, कुरान मजीद ने इनके इल्म को ललकारा है। खुद बाइबल में है इसका, कुरान मजीद ने इल्म को ललकारा है। वो हवाले जो इब्राहिम अलैहि इसहाक अलैहि सलाम की पैदाइश के हैं बाइबल में भी बिल्कुल वैसी लिखे हैं, सरमो फर्क नहीं, जरा बराबर फर्क नहीं। अल्लाह तफसीर है, कुरान में तफसील नहीं है, मगर बाइबल में और तफसील है कि फरिश्ते आए इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बात किए, पीछे जो है ना हजरत सारा खड़े कर सुन रही थी, फरिश्ते ने कहा कि मैं तुम्हें अपने एक बच्चे की बशारत देने वाला हूं, तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस उम्र में, इस बूढ़ी उम्र में बशारत दे, जबकि मेरे ख्वाहिश काबिल नहीं कि मैं बाप बन सकूं। और पीछे जो दरवाजे से लगकर सारा अलैहिस्सलाम सुन रही थी, उन्होंने दिल में ये कहा कि ये तो बहलाने के लिए आया है। बाइबल में, कुरान में नहीं, बहलाने के लिए आए। दिल की ये बात फरिश्ते तक पहुंची। फरिश्ते ने कहा कि तू ऐसा क्यों समझती है कि अल्लाह ताला का हुक्म नहीं हो सकता, अल्लाह ताला नहीं कर सकता। वहां जो लफ्ज इस्तेमाल यफअलु मा यशा है, या यखलखु मा यशा है, मैं यफअलु मा यशा, वइज़ा खज़ा अमरन फइन्नहु यकूलु लहु कुन फयकून। क्योंकि वहां एतबार से मर्द और औरत दोनों मौजूद थे, मां और बाप दोनों मौजूद थे, तबाई तौर पर इस काबिल नहीं थे, मेडिकल साइंस के एतबार से इस काबिल नहीं थे, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए काम कर दिया। या फलवा ने आम अल्लाह ने काम किया, तखलीक नहीं किया, काम किया, उन दोनों को इस काबिल बना दिया। कि वो और साहिब औलाद बन सके, जबकि उनकी साइंस के एतबार से, यहूदियों के साइंस के एतबार से इब्राहिम अलैहि सलाम काबिल थे ना सारा अलैहि सलाम काबिल थी, साइंस के एतबार से। वही याद दिलाया जा रही है, जब वो काबिल नहीं थे अल्लाह ताला ने ऐसा कर दिया, तो वो भी तो एक मोजज़ा है। उस मोजज़ा तुम्हारे आंखों से कैसे हट गया? और एक मिसाल यहीया अलैहि सलाम की दी गई, ज़करिया अलैहि सलाम की। ज़करिया अलैहि सलाम की भी कैफियत ऐसी थी, वो भी काफी ज़ईफ थे। आदम अलैहि सलाम का मामला तो बहुत पीछे है, जेनेसिस को तुम मानो या ना मानो, ये इम्कान भी तो हो सकता है। तुम समझो कि बहुत सारे बातें आदम अलैहि सलाम की हम तक नहीं पहुंची होंगी, तुम इसकी ये बात का भी इनकार कर सकते हो, क्योंकि तुम इनकार करने वाली कौम में से हो। अभी कुछ दिन पहले तुम्हारे दरमियान मौजूद हैं यही अलैहिस्सलाम, जो मुंतजर हैं ईसा अलैहिस्सलाम के, खुद भी जिनके ताल्लुक से तुमने जाकर पूछा था क्या तुम यसी हो, तो यही अलैहिस्सलाम ने कहा था मैं यसी नहीं हूं। फिर पूछा गया था तुम क्या वो नबी हो जिसका हम मुंतजर हैं, यही अलैहिस्सलाम ने कहा मैं वो भी नहीं हूं। फिर पूछा गया कि आप कौन है, आपने कहा कि मैं जॉन हूं, यही हूं। यहीया अलैहिस्सलाम की पैदाइश तुम्हारे सामने, जिसका तुम इकरार कर चुके थे कि ज़करिया अलैहिस्सलाम को औलाद हो ही नहीं सकती, तुम्हारे इल्म के मुताबिक, तुम्हारे मेडिकल साइंस के मुताबिक ज़करिया अलैहिस्सलाम को तो बेटे औलाद हो ही नहीं सकती। तुम इस बात पर मुत्तफिक थे
तुम्हारे सामने एक मौजिजा हो गया, यही सलाम जिंदा तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुम्हें बुला रहे हैं अल्लाह के रास्ते की तरफ। जब ऐसी चीज हो सकती है तुम्हारे इल्म के मुताबिक, ये दो चीजें दलीलें हैं कि तुम्हारे इल्म के मुताबिक दो दलीलें भी तुम्हारे सामने हैं, तो फिर क्या बात है कि जब अल्लाह ताला बगैर बाप के पैदा करता कर सकता है ईसा अलैहिस्सलाम को, तुम्हें इख्तलाफ की गुंजाइश कहां से, मुजदाती पैदाइश कहां से, किस बुनियाद पर तुम खुदा कहते हो? अब खुदा कहना है तो सबको खुदा कहो, आदम अलैहिस्सलाम को खुदा कहो, इसहाक अलैहिस्सलाम को खुदा कहो, यहया अलैहिस्सलाम को खुदा कहो, कितने खुदा होंगे? अगर ये सबको खुदा माने तो अकीदे तस्लीस भी तो खत्म हो गया। तुम्हारे अपने मुने बुनियाद के मुताबिक तीन है खुदा, तो यहां तो आदम अलैहिस्सलाम खुदा हो गए, यहया अलैहिस्सलाम खुदा हो गए, ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हो गए, ईसा अलैहिस्सलाम के पास जो ईसा अलैहिस्सलाम का बाप है वो खुदा हो गया, ईसा अलैहिस्सलाम के पास जो रूह आई होली स्पिरिट वो खुदा हो गई, इस तरह तो पांच खुदा हो गया, अकीदे ट्रिनिटी भी खत्म हो गया। तो मौजूदाती तौर पर तारीख जो इंसानी बताती है हमको, इस पर सबको इत्तेफाक है। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश पे इत्तेफाक है ईसाइयों को, यहूदियों को, यहया अलैहिस्सलाम की पैदाइश पे इत्तेफाक है यहूदियों को, ईसाइयों को, आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश पे भी इत्तेफाक है यहूदियों को, ईसाइयों को। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश पे तो सारे मजाहब को इत्तेफाक है। तो ऐसी बात पर मौजूदाती तौर पर कोई चीज पैदा होने से खुदा नहीं होता। और तो और एक सबूत बाइबल में इनके पास मौजूद है। बाइबल में एक सिद्क सालम एक बादशाह का जिक्र आता है जिसको उस जमाने के अब्राहम थे जो पसंद कर फरमाते थे, जो काहन था यानी मतलब के मजहब का मानने वाला था, उसको उसके ताल्लुक से अब्राहम जो हैं उन्होंने उनको वादा किया था कि कामयाब बादशाह है, नेक बादशाह है। बाइबल में इसका तस्किरा है आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल है, आदम अलैहिस्सलाम से मरियम है, मरियम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम है, यहया अलैहिस्सलाम की नस्ल है। बाइबल में ये आदमी जो सिद्क सालिम है, मलिक सिद्क सालिम, इसकी नस्ल का कोई तस्करा नहीं है, ना इसकी मां का तस्करा है, ना इसकी बाप का तस्करा है, ना इसकी नस्ल का तस्करा है। इस एतबार से तो ये तो सबसे बड़ा खुदा हुआ, आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल है, यहया अलैहिस्सलाम की नस्ल है, ईसा अलैहिस्सलाम की नस्ल है, सबकी नस्ल मौजूद है। एक वाहिद वाहिद मलिक जो बादशाह का तस्करा बाइबल में मिलता है, ना तो इसके मां बाप है, ना तो नस्ल का पता है। ये किधर से आया? अगर यही क्राइटेरिया है मौजूदाती पैदाइश का, तो ये तो सबसे बड़ा मौजूदा है, मां बाप भी नहीं है ना नस्ल है इसकी, तो फिर ये मौजूदाती तौर पर खुदा होना चाहिए। इस एतबार से अगर आप देखें तो मौजूदाती पैदाइश खुदा नहीं होती। दरअसल जो इल्म आपको है वो इल्म बड़ा महदूद इल्म है, जिस दुनिया में आप रहते हैं वो बड़ी महदूद दुनिया है, जिनके हाथों इसकी तकलील ही वो लामहदूद इल्म रखने वाला है,
वो आजिज नहीं है, वो हर चीज कर सकता है। होना तो यही चाहिए था, जब आजिज हो जाए आप तो उस जो आजिज नहीं है उसकी तरफ रुख करें, उसकी तरफ चले जाएं, उसकी इबादत करें, उसको एक माने। ये इनकार हुआ। उसके बाद अगर साइंटिफिकली अकली दलाइल से आप आ जाएं, मौजज़ाती पैदाइशी को ले लें कि यही एक दलील बनने वाली है। दुनिया में जितने चीजें हैं पहली मर्तबा आलम वजू अदम वजूद से वजूद में आई, चाहे कोई भी चीज ले लो आप, जमादात ले लो, नबातात ले लो, हैवानात ले लो, ये जितने भी चीजें आपके सामने ही अदम वजूद से वजूद में आई, इनकी जो पहली पैदाइश है जिसके बाद ये सिलसिलेवार नस्ली तौर पर सामने आई, वो पहली पैदाइश भी तो मौजूदाती पैदाइश है। खुद से वजूद में नहीं, वजूद में आई खुद से, किधर से आई? मौजूदाती तौर पर ही आई होंगी। तुम्हारे पास कोई हिकमत नहीं है, तुम जानते नहीं, तुम्हारे पास इल्म नहीं है उसका। अब यहां आकर आदमी के फलसफे मादे की तरफ जाते हैं, मादे का वजूद है तो मादा आया कहां से? इसका कोई सबूत नहीं। मादा आपने नाम कैसे रख लिया, इसका भी कोई सबूत नहीं है। तो जो चीजें आलम वजूद में आई, आलम वजूद में आने से पहले जो अदम वजूद में थी, वो अदम वजूद से आलम वजूद में लाने वाली कौन सी शख्सियत है? वो भी तो एक मौजूदाती पैदाइश है जो कि हर चीज की होती है। किसी किस्म का झाड़ ले लो, किसी किस्म का पत्ता ले लो, किसी किस्म का जानवर ले लो, किसी किस्म का बैक्टीरिया ले लो, जो भी पैदा होता है पहली पैदाइश मौजूदाती पैदाइश है। आज की साइंटिफिक वर्ल्ड में एक अरसे तक साइंसदानों में टकराव रहा कि मुर्गी पहले है या अंडा पहले। अंडा एक बेजान चीज है, मुर्गा जानदार चीज है। अंडा पहले आया, मुर्ग पहले आया? बिल आखिर इसी सदी में सारे साइंसदानों का मुत्तफिका फैसला है कि जानदार चीज पहले होती है, उसके बाद उस बेजान चीज से फिर जानदार बनती है। जिसको वो बेजान समझते हैं वो उसमें भी जान है, वरना जानदार कैसे बनती? इन्होंने इस बात को मान लिया कि पहले जानदार चीज होती है, उसके बाद यह नस्ल सिलसिला चलता है नस्ल का, चाहे अंडे से हो या पैदाइश से हो, किसी सिलसिला चलता है। अगर जानदार चीज का वजूद आता, फिर जानदार चीज कैसे आई? तो हर पैदाइश मौजूदा है। अगर मौजूदों को ले आप, आज की दुनिया में कहा जा सकता है ये 1 मिलियन स्पीशीज है, जिसका एनडी अगर ले दें आप तो वो एक हाफ स्पून में आता है डीएनए लेंथ। डीएनए अगर आप ले लें उसका, तो पूरा 1 मिलियन स्पीशीज का अगर डीएनए को आप जमा करें तो हाफ टी स्पून में आता है। उसी से सारी दुनिया का वजूद है। वो तखलीक करने वाला मादा जो मुख्तलिफ स्पीशीज में मौजूद है, उसकी वजूद की हैसियत क्या है? आधे स्पून की सी हैसियत है। वो सारे अब बढ़कर इतनी मखलूकात में तब्दील हो चुका है। वो एक मौजजा है। क्या ये सारे मौजजात को अगर हम ले लें तो सारे खुदा हो गए? खुदाओं का क्या आप ले लेंगे? 1 मिलियन से ज्यादा खुदा हो गए। तो मौजूदाती पैदाइश दरअसल इंसानी इल्म के बाहर का इल्म है, और यहां आकर आदमी के लाजिम है कि वो अल्लाह की हैसियत को समझ ले, अल्लाह को मान ले कि आप मखलूक हैं तो तखलीक करने वाला कोई है। सारी दुनिया में सारे चीजें मखलूक हैं, बास के स्पीशीज हैं, बास के स्पीशीज नहीं है। जिस गैलेक्सी की आप बात करते हैं, जिसमें हम रहते हैं, वैसे 1 बिलियन से ज्यादा गैलेक्सीज दुनिया में मौजूद है, जिनके मालूमात हमको हासिल हो चुके। कोई जरूरी नहीं कि यही
यही मखलूक हमारे हम जैसी मखलूक ही हो, कितने मखलूक है वल्लाहु आलम। दुनिया जैसी तरक्की करती जाएगी वैसे इल्म होता जाएगा। तो साइंस की बुनियाद पर अल्लाह का फैसला करना मुमकिन नहीं है, साइंस आजीज आ जाती है। आज ही आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी न्यूटोनियम, एक पार्टिकल्स का तस्कर आया आज ही हिंदू में अगर आप देखें, उसमें तस्करा यह है कि लाइट के जर्रा से तेज ये हरकत करता है। अब तक दुनिया के साइंटिस्ट ये मानते थे कि लाइट के जर्रा सबसे ज्यादा हरकत करता है, 1,86,000 मील फी सेकंड की रफ्तार से लाइट तक ट्रैवल करती है। 10 सेकंड में हमको रोशनी मिलती है, यानी हम दुनिया को माजी की दुनिया को देखते हैं, हाल की दुनिया को नहीं देखते, हम 10 सेकंड बाद की दुनिया को देखते हैं। आइंस्टाइन की जो थ्योरी है, इस आइंस्टाइन की थ्योरी के मुकाबले में साइंटिस्टों ने एक चीज बांधी कि न्यूट्रिनो जो और एक मादा आया है वो मादा लाइट के जर्रा से तेज रफ्तार है। अगर ये चीज कामयाब हो जाए तो दुनिया का जो वजूद है ये वजूद बदल जाए, फलकियात के निजाम की तारीख बदल जाए, इंसान को फिर एक मरतबा इंसान की तकलीफ पे गौर व फिक्र करना पड़ेगा, दुनिया की तकलीफ पे फिर एक मरतबा गौर व फिक्र करना पड़ेगा। तो अल्लाह की जो तकलीफ जो है उस तकलीफ को अभी असली उलूम समझ रहे हैं। इसीलिए जब कोई चीज समझ में नहीं आती तो इंसान उसको कोई नाम दे देता है। तो आज की ईसाइत में भी चूंकि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश उनके अपने इल्म के मुकाबले में मौजू नहीं थी, उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कहा कि ये काम सिवाय खुदा की कोई नहीं कर सकता, खुदा के वजूद को हम मानते हैं, मौजूदाती पैदाइश को नहीं मानते, हम खुदा के वजूद को मानते हैं कि खुदा खुद इंसान की शक्ल में मरियम के बतन से पैदा हुआ। क्यों पैदा हुआ अब रीजनिंग देना है, बिकॉज फिलॉसफी है, फिलॉसफी में कोई जो हाइपोथेसिस बनता है तो रीजनिंग भी देनी पड़ती है क्यों पैदा हुआ। अब पैदा होने की रीजनिंग यह है कि आदम अलैहिस्सलाम ने जो गुनाह किया था अल्लाह का हुक्म नहीं मान के, वो गुनाह की वजह से उनके जिस्म में जो गुनाह के जरासीम दौड़ रहे थे उससे कोई अच्छे काम की तवक्को नहीं थी, इल्ला ये कि अल्लाह उसको माफ करे, कफारा अदा करे, क्योंकि अल्लाह को इंसान से मोहब्बत है, इंसान जो मखलूक है जो असफुल मखलूकात उससे बड़ी मोहब्बत है, तो अल्लाह ताला नहीं चाहता था कि इंसान जहन्नुम में जाए, इसलिए अल्लाह ताला ने मरियम के बतन से पैदा होकर सलीब पर चढ़कर आदम अलैहिस्सलाम की उस गलती का कफारा अदा किया है। ये मौजूदाती पैदाइश नहीं है बल्कि अल्लाह ताला के आने का तरीका है। अल्लाह ताला चूंकि इंसान से मोहब्बत करता है इसलिए उसने ये अमल किया। अब जो कोई ईसाइत को माने वही जन्नत का मुस्तहिक है, बाकी सारे के सारे जहन्नुमी। ये तरीकेकार ईसाइत के अकीदे का है जिसको मौजूदाती पैदाइश की बुनियाद पर ईसाई कहते हैं कि चूंकि मौजूदाती तौर पर ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए इसलिए खुदा है। तारीखी नुक्ते नजर से मैंने पूरे हवाले दिए आपको, एक तो आदम अलैहिस्सलाम का हवाला दिया जिनके माँ थे ना बाप थे तो वो ज्यादा हकदार हुए, दूसरा हवाला मैंने आपको इसहाक़ अलैहिस्सलाम का दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ईफ़ी के आलम में जो उनकी मेडिकल साइंसेस के एतबार से नामुमकिन थे फिर भी अल्लाह ताला ने पैदा किया।
तीसरा ईसाइयों के बिल्कुल करीब, ईसाइयों के दरमियान रहने वाली शख्सियत यहया अलैहिस्सलाम की, ईसा अलैहिस्सलाम के साथ साथ का जमाना, उनकी मिसाल दी गई। चौथे खुद बाइबल में मल्क सिद्क सलीम, जिनका जिक्र है, जिनके माँ बाप का पता है ना नस्ल का पता है, उसकी मिसाल भी दी गई। अगर ये मुजज़ाती तौर पर ही खुदा कहलाने के मुस्तक हैं तो सारे खुदा है। और मैंने आखिरी दलील भी दी आपको, हर चीज पहले आदम वजूद से वजूद में आती है तो पहली मर्तबा पैदा होती है, इसको पैदा करने वाला कौन है, वो पैदा होना भी एक मौजूदा है, चाहे मामूली बैक्टीरिया क्यों ना हो, मामूली से मालूम ही नहीं कोई चीज हरकत करने वाली क्यों ना हो, वो आदम वजूद से जब वजूद में आती है तो वो मौजूदा है। और इसको मान ले अकली एतबार से तो जितने वजूद में वो सारे के सारे खुदा हो गए। इस एतबार से ये थ्योरी जो हमारे दरमियान है कि मौजूदाती तौर पर पैदा होने वाला खुदा कहलाता है, इसका कोई स्टैंड नहीं, ना अकली तौर पर ना तारीखी तौर पर, क्योंकि आम तौर पर हमारे दरमियान बात की जा सकती है। ईसाई हजरात जब हमसे बैठते हैं तो गुफ्तगू अक्सर सामने आती है, इसलिए मैंने उन्वान चुना था ताकि हमारे दरमियान अगर कोई ऐसी बात पैदा हो तो हम उसका जवाब दे सके कि भाई कुरान ने ये कहा है, कुरान की बातें, कुरान को लाने से पहले, कुरान की बात करने से पहले उनकी खुद किताबों से बात की जा सकती है। कुरान को तो बीच में लाए नहीं, बाइबल के हवाले से ईसा अलैहिस्सलाम की बात करें, बाइबल के हवाले से यहया अलैहिस्सलाम की बात करें, बाइबल के हवाले से मल्क सिद्क सलीम की बात करें, कुरान को तो लाए नहीं बीच में। भाई पहले तुम यह साबित करो कि तुम्हारी अपनी किताबों में क्या आई। ईसा अलैहिस्सलाम से ज्यादा बेहतर तो मल्क सिद्क सलीम है, ना उनके बाप है ना माँ है, ना नस्ल का सवाल है, तो वो खाद खुदा ज्यादा हुए। जब वो अपनी तरफ पर आ जाए तो हम अपनी बात कर सकते हैं, कुरान ने इस बात की तस्दीक की है, हम ये मान देंगे ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश बहुत मुजज़ाती है, ईसा अलैहिस्सलाम नबी हैं। हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता ईसा अलैहिस्सलाम तक ईमान लाने तक, हम उनको बहसत नबी मानते हैं और उनकी पैदाइश भी मुजज़ाती है, उनकी मौत भी मुजज़ाती है, उठा ली गए फिर दुनिया में आएंगे, जिस तरह पैदा हुए उनका दुनिया से उठाया जाना भी मुजज़ाती है। वही अल्लाह ताला ने आजमाइश के तौर पर दुनिया में रख दिया वो लोगों के लिए जो कुरान को समझते हैं, रखें। ये उन्मान था, बहुत मुमकिन हो कि मैंने हक अदा करने की कोशिश की है। अगर कोई बात है तो आप, अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं इंशाल्लाह, इस मौजू पर इंशाल्लाह मैं जवाब देने की कोशिश करूँ। वो आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्योंकि जैसे आप वाकिफ हैं कि सवाल जवाब का भी सेशन होता है, हमारा 5 मिनट बाकी है अभी नमाज मगरिब के लिए, कोई सवाल करना चाहे तो कर सकते हैं। हजरात, आपने महसूस किया होगा कि आज के उन्वान में एक नुदरत सी है, और ये जो उन्वान मुंतखब किया गया है इसके बैकड्रॉप में आप गौर करें तो आपको अंदाजा होगा कि एक तरफ ईसाइयत के मशीन, उसके मिशन चल रहे हैं, और दूसरी तरफ तबलीग इस्लाम भी चल रहा है। और अब ये कैफियत है कि ये बात मुसलमा हो गई है कि इस्लाम तेजी से फैल रहा है। अब ये आदात वगैरह तो मुश्किल है बताना, लेकिन ये तस्लीम करते हैं। चुनाचे बिरादराने वतन भी इस बात को तस्लीम करते हैं, इनके बड़े बड़े रहनुमा भी तस्लीम करते हैं, ये कहते हैं कि इस्लाम का फैलाव न सिर्फ यूरोप में, अमेरिका में, बल्कि हर जगह हो रहा है। उससे एक अंदाजा होता है कि जो हकीकत बात है उसको तस्लीम किया जा रहा है। आपने जो फरमाया, आप तो जानते हैं कि 4 आसमानी किताबों पे मुसलमानों का इखान है, कुरान, बाइबल,
तौरियत ज़ुहूर, और ये चारों पे हम ईमान रखते हैं और चारों किताबों को हम मानते हैं, लेकिन तशरीह और तौज़ीह के अंदर इख्तलाफात हैं। चुनाचे पहले दो किताबों का यानी ज़ुहूर और यानी इंजील के बारे में आप कह सकते हैं कि इंजील में भी ये है कि इंजील के कई अलहदा अलहदा वर्सेस हैं, यानी उसके तहरीरात हैं, कई चैप्टर्स में इख्तलाफात हैं। कुरान में ज़ेर ज़बर का इख्तलाफ नहीं, चुनाचे आप जैसे उलमा ने यहाँ तकरीर करते हुए बताया कि यूरोप में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें मौजू ये था कि जो इख्तलाफात बाइबल में हैं मुख्तलिफ किस्म की तबातों के, उनको मिटाया जाए, कम किया जाए या हज़फ़ किया जाए, लेकिन कुरान के ताल्लुक से ऐसी कोई बात नहीं। दुनिया किसी कोने में चले जाएंगे, आपको जो है उसके ज़ेर ज़बर जज़्म कोई चीज़ में आपको इख्तलाफ नहीं मिलेगा। ज़ाहिर है कि आज के फाजिल मुखर्रिर ने हमें ऐसे एक उन्वान से वाकिफ करवाया और इस्तेफादे का मौका दिया जिसका बैकड्रॉप ये सब कुछ था जो मैंने अभी आपसे सुनाया है। मैं आपसे मुस्तदी हूँ कि जैसे मैंने पहले ही कहा है दो महाफिल में जो पीर और चहारशंबे की हैं, उसमें ज़रूर शिरकत फरमाइए और साथियों को लेते आइए। मैं फाजिल मुखर्रिर साहब से दुआ की गुजारिश करता हूँ। ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته।